गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू? सभी अच्छे हैं? आप सब वीडियो देख रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है कि सब बच्चे ध्यान से वीडियो देख रहे हैं और वर्कशीट भी प्रॉपर कर रहे हैं। जैसे कि आप रोज न्यूज़ में सुनते हैं कि कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आप सब लोग घर पे रहकर सुरक्षित हो और टीचरों द्वारा भेजी गई ऑनलाइन वीडियो को देख रहे हैं और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं ताकि आपका पढ़ाई का कोई भी नुकसान ना हो। इसी तरह आप ये वीडियो देखते रहिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए ताकि आपकी स्टडी पर कोई भी असर ना हो। बच्चों, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, पिछली वीडियो में मैंने बताया था सॉलिड, लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टीज। आपने वो वीडियो ध्यान से देखी होगी और आशा करती हूँ आपको समझ भी आया होगा। यदि उसमें आपको कोई समझ नहीं आई बात तो आप इस वीडियो को मेरे चैनल पर जाकर दोबारा से देख सकते हो। सॉलिड, लिक्विड और गैस मैटर के ऊपर थी वो प्रॉपर्टी, और उसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टीज बताई गई थी कि सॉलिड क्या होते हैं, लिक्विड क्या होते हैं और गैस क्या होती है। इसके अलावा बच्चों, आज का मेरा टॉपिक है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन क्या होता है? कोई भी सब्सटेंस किसी लिक्विड में हम घोलते हैं तो वो एक सॉल्यूशन बन जाता है। कोई भी सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस, डिजॉल्व एनी सब्सटेंस दैट डिजॉल्व इन अ लिक्विड इज कॉल्ड सॉल्यूशन। इसमें दो बातें आती हैं, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। अब आप पूछेंगे, मैडम सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्यूट वो होता है जब किसी लिक्विड में कोई सब्सटेंस हम डालते हैं। मान लो ये हमारा वाटर है, इसमें हमने शुगर डाली, इसमें हमने शुगर डाली, शुगर क्या हो गई? सॉल्यूट। नमक, नमक डाले हम, नमक डाल लीजिए, सॉल्ट, शुगर, शुगर, ये क्या हो गया? सॉल्यूट। आप पिक्चर से आप समझ पाएंगे, द सब्सटेंस दैट डिजॉल्व इन ए लिक्विड इज कॉल्ड सॉल्यूट, इज कॉल्ड सॉल्यूट। अब सॉल्वेंट क्या होता है? यहाँ बच्चों, सॉल्यूट द सब्सटेंस दैट डिजॉल्व इन ए लिक्विड इज कॉल्ड सॉल्यूट। जैसे हमने शुगर को पानी में डाला तो शुगर क्या हो गई? सॉल्यूट। साल्ट को हमने डाला तो साल्ट क्या हो गई? सॉल्यूट। उसके बाद आता है हमारा सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है? जिस लिक्विड में हम सॉल्यूट डालते हैं, द लिक्विड इन विच सॉल्यूट इज डिजॉल्व, द लिक्विड इन विच सॉल्यूट इज डिजॉल्व इज कॉल्ड सॉल्वेंट। मान लो आपने पानी लिया, आप शिकंजी बना रहे हैं, पानी लिया तो उसमें क्या डालते हो आप? चीनी। चीनी उसके अंदर घुल जाती है, तो चीनी जो शुगर हुई वो, मैंने ऊपर बताया, जैसे शुगर हुई वो क्या हुई आपकी? सॉल्यूट, क्योंकि वो उसके अंदर आपने डाला है। और जो लिक्विड है, जो पानी है, वो क्या हुआ? सॉल्वेंट, उसके अंदर डाला है। तो द सब्सटेंस दैट डिजॉल्व इन द सॉल्यूट दैट डिजॉल्व इन अ लिक्विड इज कॉल्ड सॉल्वेंट। और वाटर, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर जो बनता है दैट इज सॉल्यूशन, दैट इज सॉल्यूशन।
जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिल जाते हैं तो उससे एक मिक्सचर बन जाता है, उसको बोलते हैं सॉल्यूशन। जैसे मैं आपको पिक्चर में दिखा रही हूँ, ये गिलास लिया मैंने और एक बाउल में शुगर लिया। जो ये वाटर है इसके अंदर दैट इज सॉल्वेंट, और जो बाउल में मैंने शुगर लिया दैट इज सॉल्यूट। अब क्या करूँगी मैं, सॉल्यूट को पानी के अंदर, सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डालूंगी जो कि पानी है, और उसको डाल दूंगी और चम्मच से उसको मिक्स करूंगी। तो एक मीठा पानी बन जाएगा। जब आप शिकंजी बनाते हैं तो आप चीनी डालते हैं और उसमें बाद में नींबू निचोड़ते हैं, तो आपका एक सॉल्यूशन बन जाता है जिसको हम शिकंजी कहते हैं, वो हो जाता है सॉल्यूशन। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। ये आप देख रहे हैं, ये जब हम मिक्स कर देते हैं तो शुगर साल्ट आपको पता है आसानी से पानी में मिक्स हो जाते हैं और एक क्लियर सॉल्यूशन बनाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो पानी में डिजोल्व नहीं होते और उनसे सॉल्यूशन क्लियर नहीं बनता। जैसे आप सैंड को पानी में डालोगे तो वो सॉल्यूशन क्लियर नहीं होता, चौक को आप पीस कर पानी में डालोगे तो भी सॉल्यूशन क्लियर नहीं होता। इस तरह से हम सॉल्यूशन बनाते हैं। आपने देखा होगा छोटे बच्चे की दवाई जब हम लाते हैं तो उसमें लिखा होता है कि इतनी मात्रा में पानी डालकर उसको दवाई बना लीजिए। उसमें सॉल्यूट होता है, सॉलिड होता है उसमें, और उस दी हुई क्वांटिटी में हम पानी, दी हुई क्वांटिटी इतनी पानी डालते हैं और उसको अच्छी तरह से शेक करते हैं तो एक क्लियर सॉल्यूशन बन जाता है, और छोटे बच्चों को हम स्पून के द्वारा उनको पिला सकते हैं। देखिए बच्चों हमारा क्या हो गया, जैसे शुगर और वाटर में सॉल्वेंट में क्या हो गया हमारा वाटर, और उससे क्या बन गया हमारा सॉल्यूशन। इस तरह से हम किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं। तो बच्चों आज हमने पढ़ा सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन किन दो चीज़ों से बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, जो वाटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज वाटर इज ए लिक्विड दैट डिजोल्व ऑल थिंग्स इन इट। वाटर एक ऐसा लिक्विड है जो अपने अंदर सारी चीज़ों को डिजोल्व कर लेता है, इसलिए वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। तो बच्चों आज मैंने बताया सॉल्यूशन, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, और उनसे कैसे सॉल्यूशन बनता है, और वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहते हैं। तो आशा करती हूँ आपको समझ आ गएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।